लोगों से चल के पूछते हैं कि पिछले साल महंगाई थी या इस साल महंगाई है? हर साल ही ज्यादा बढ़ती है, हर साल ज्यादा बढ़ती है। साल मतलब ज्यादा थी और इस साल शायद इस साल ज्यादा है। 30-40% इजाफा हुआ है। तो ये जो अभी हुकूमत आई है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आगे का कुछ कह नहीं सकता, लेकिन महंगाई बढ़ेगी आगे। महंगाई मजीद बढ़ने वाली है, डेफिनेटली यही होगा। आज हम मौजूद हैं गुलशन इकबाल में। लोगों की जैसे यहाँ तैयारी चल रही है, रमज़ान की आमद आमद है, तो लोगों से चल के पूछते हैं कि पिछले साल महंगाई थी या इस साल महंगाई है? आप यहाँ पे इम्तियाज़ पे ख़रीदारी करने आए हैं, आप बताएं कि पिछले साल रमज़ान की पिछले साल महंगाई ज़्यादा थी या इस साल रमज़ान की महंगाई? शायद इस साल ज़्यादा है। इस साल ज़्यादा जी जी। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आए हैं, आप मुझे बताएं कि पिछले साल महंगाई ज़्यादा थी रमज़ान में या इस साल आप देख रहे हैं? मैडम अभी तो असल में रमज़ान में जैसे शॉपिंग वगैरह करेंगे तो जाहिर सी बात है, जब अगर शॉपिंग करेंगे इसके बाद ही रेट का मालूम होगी ना। अभी तो रमज़ान में ना स्टार्ट ही भी नहीं हुआ। रमज़ान की आमद आमद तो सर जारी है। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये तो है। बाकी देखो अभी रिजल्ट, अभी बजट निकलेगा तो फिर देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सर आप अभी इम्तियाज़ से शॉपिंग करके आए हैं, तो आप हमें ये बताएंगे कि पिछले साल महंगाई ज़्यादा थी या इस साल महंगाई ज़्यादा? महंगाई जोड़े हमने तो आधा सामान लिया ही नहीं, वापस आ गए, रश बहुत ज़्यादा है। और मैं लोगों से यही कहूँगा यहाँ आने तुम ना आए आप, क्योंकि यहाँ आने से चाहे आप अपने मोहल्ले की दुकान से ले लें, यहाँ आके पूरा दिन आपका वेस्ट हो जाता है। हर साल ही ज़्यादा बढ़ती है, हर साल ज़्यादा बढ़ती है। साल मतलब ज़्यादा थी और इस साल अल्लाह माफ़ करे, इस साल अल्लाह माफ़ करे ऐसी महंगाई है। महंगाई तो ऑफकोर्स आपके साल ज़्यादा हुई है, आपके साल ज़्यादा है। तो आपके क्या मतलब, आप कुछ कहना चाहेंगे महंगाई के बारे में कि अब जो हुकूमत आई है तो आपको क्या लग रहा है कि ये महंगाई कम होगी या बढ़ेगी? इस हुकूमत से तो हमें कुछ भी वो नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले देख चुके हैं कि पहले क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, आपके भी कुछ भी नहीं होगा। मतलब महंगाई आपको लगता है कि महंगाई मजीद बढ़ने वाली है? डेफिनेटली यही होगा। अभी समझ लो वही उसी रेट पे ही है समझ लो तकरीबन, लेकिन आगे का कुछ कह नहीं सकता, लेकिन महंगाई बढ़ेगी आगे। आप क्या कहेंगे कि अभी जो हुकूमत आई है तो महंगाई कम होनी है या बढ़नी है? ये बढ़ेगी, ये बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अब ये महंगाई कैसी है कि पिछले रमजान महंगाई ज्यादा थी या इस साल? कुछ महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है, सब फ्री में बढ़ रहा है इम्तियाज में। आप मजाक कर रहे हैं, हकीकत यही है, बता दूँ आपको बेटा मैं, सब महंगाई कभी कम हुई है बता दो आप। सर फिर भी अभी ये बताए ना कि जो हुकूमत आई है ये इसका रिएक्शन आप क्या देंगे कि भाई अभी महंगाई कम होगी या? अल्लाह इनको कामयाब करे अपने मंसूबे में, बस महंगाई तो उसी तरह ही है, महंगाई में कमी थोड़ी आई है। अभी आप बताएंगे कि कीमतों में इजाफा हुआ है या नहीं? इजाफा हुआ है, तकरीबन 30-40% इजाफा हुआ है। तो ये जो अभी हुकूमत आई है आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो अभी हुकूमत आई है, देखे क्या इकदाम करती है, उम्मीद तो है कि कुछ बेहतरी है। तब आपको लगता है कि महंगाई कम हो जाएगी? देखे उम्मीद पे दुनिया कायम है। महंगाई थी या इस साल अभी महंगाई ज्यादा है? इस साल तो हो ही गई महंगाई बहुत ज्यादा, हर चीज़ जब डबल हो गई, पहले की बात दूसरी थी। अच्छा, जो ये हुकूमत आई है तो आपको क्या लगता है कि इसमें अभी जो हुकूमत आई है इसके अंदर महंगाई कम होनी है या बढ़नी है? बढ़ने का है, कम होने का तो मुझे नहीं लगता ये हुकूमत कम करेगी। ये तो टैक्स हर चीज़ में बढ़ा दिए इन लोगों ने, तो हर चीज़ में, बिजली में, गैस में, पेट्रोल में, हर चीज़ में रेट बढ़े हुए, किस में कम हुए हैं पिछले साल? ये मतलब आपने जो खरीदारी करी रमज़ान की तो आपको क्या लगता है उससे डबल रेट अभी आपको मिले? हाँ डबल रेट है, हर चीज़ के बढ़े हुए रेट, पहले तो बहुत कम थे, हर चीज़ बढ़ गई, हर चीज़ की महंगाई सब चीज़ों की हो गई है। हम चलो हम अमीर के लिए तो सही है, दरमियाना भी करता हूँ, गरीब तो बिल्कुल ही चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे ही बताएंगे कि आप अभी शॉपिंग कर कर आई हैं तो पिछले रमज़ान जब आपने शॉपिंग करी थी तो आपको रेट कैसे मिले थे और इस साल में आपको रेट कैसे मिल रहे? पहले महंगाई कम थी, अभी महंगाई अब उस पता मतलब आप मतलब आपका कहना ये कि पिछले जब रमज़ान आपने शॉपिंग करी थी तो उससे ये डबल रेट आपको मिले? जी डबल रेट है। आपको क्या लगता है कि जो न्यू हुकूमत आई है अभी तो इसमें महंगाई कम होनी है या नहीं? कम होनी चाहिए महंगाई है तो कुछ ज़्यादा ही महंगाई चढ़ चुकी है। जो हुकूमत आई है तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे कि महंगाई आपको लगता है कि कम होगी या मजीद बढ़ेगी? नहीं बढ़ने के ही इम्कान है, कम के तो नहीं। जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ान की आमद आमद है, हमने लोगों की राय ली, लोगों ने अपनी राय से आगाह करा महंगाई के लिए, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इजाज़त दीजिए ज़ुही शेख को, अल्लाह हाफिज़।